सर आज भी वही सादगी आपकी देखने में आई है कि मीडिया से आपने बात किया, लेकिन सर हल्का सा पोल्यूशन आपने यहाँ भी देखा हुआ, दिल्ली का देखा हुआ, दिल्ली में अब 21 नवंबर तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का। दिल्ली NCR में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब राज्य और केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं। दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी है। साथ ही दिल्ली में 1000 CNG प्राइवेट बसों को कल से हायर किया जाएगा। DDMA को मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी है। इसके अलावा दिल्ली में 100 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है, ताकि वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की संघन जांच हो सके। इसके साथ ही गोपाल राय ने यह भी जानकारी दी है कि दिल्ली में सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योगों पर बैन रहेगा। दिल्ली में 372 वाटर टैंकर छिड़काव हो रहे हैं, पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रैफिक कंजेक्शन की जाँच के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब दिल्ली सरकार के ये फैसले के बाद देखने वाली बात यह होगी कि इन फैसलों से, इन शर्तों से क्या दिल्ली की प्रदूषण कम हो पाएगा या नहीं, या फिर एक बार फिर सरकार के फैसले से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।